केंद्र सरकार की प्रमुख पहल मेक इन इंडिया को 10 साल पूरे हो गए हैं। इस अवधि के दौरान सरकार ने कई प्रमुख योजनाएं लागू की हैं। इन कार्यों से भारत के विनिर्माण परिदृश्य में क्रांति आई है और देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत हुई है। मेक इन इंडिया पहल ने भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक नई ताकत दी है। पेश है एक रिपोर्ट। इंडिया का मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से दिया था, जिससे भारत को महत्वपूर्ण निवेश, निर्माण, संरचना तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में बदला जा सके। सरल शब्दों में समझें तो इसका उद्देश्य था कि भारत के आयात में कमी लाई जाए और निर्यात को बढ़ावा मिले। पिछले 10 सालों में इसके माध्यम से देश ने कई मोर्चों पर नए कीर्तिमान स्थापित किए और कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की जिनकी भारत अभी कल्पना भी नहीं कर रहा था। मेक इन इंडिया हमारे देश को मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन का केंद्र बनाने के लिए 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक संकल्प को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल की शुरुआत के 10 साल पूरे होने के मौके पर एक ब्लॉग में लिखा कि मेक इन इंडिया की छाप उन क्षेत्रों में भी दिखने लगी है जहां हमने कभी प्रभाव डालने का सपना भी नहीं देखा था। उन्होंने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, स्टील उद्योग, सेमीकंडक्टर विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और रक्षा उत्पादन निर्यात जैसे क्षेत्रों का उदाहरण दिया। उन्होंने लिखा कि 2014 में पूरे देश में केवल